मज़ा आया, आनंद आ गया। जैसा सोच के आए थे वैसा ठाकुर जी ने दर्शन दिया, बिल्कुल बहुत आनंद आया। और हर सबको आना चाहिए और ठाकुर जी के साथ होली खेलनी चाहिए। मुस्लिम संप्रदाय में ये मात्र अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ यह 84 स्तंभ के मनोरथ के दर्शन होते हैं। बहुत आनंद आ रहा है, कभी महसूस ही नहीं किया इतना आनंद आएगा। होली का एक ऐसा उत्सव है जो 40 दिन तक ठाकुर जी के साथ हम सभी भाव विभोर होकर ठाकुर जी के सखा बनकर ये होली का खेल। 84 खंभे लगते हैं वो मेरी जिंदगी में पहली बार दर्शन का मौका मिला है, बहुत भव्य आनंद मिला है। होली महोत्सव को लेकर शहर देहात और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होली के रंग देखने को मिलते हैं। अभी मैं श्री द्वारकाधीश मंदिर में खड़ा हूं और आप पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं। और आज विशेष दिन था, साल भर में एक दिन जो 84 खंभ के दर्शन होते हैं, ये अनूठी परंपरा श्री द्वारकाधीश पुष्टि मार्गी परंपरा के तहत यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। राजसमंद शहर और ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि बाहर से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लोग आते हैं और बड़े ही उत्साह उमंग के साथ में होली के रंग में रंगते हैं, ठाकुर जी के दर्शन भी करते हैं। कई श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? यहीं से, सिविल लाइन से। मज़ा आया? बहुत बहुत मज़ा आया, आनंद आ गया। जैसा सोच के आए थे वैसा ठाकुर जी ने दर्शन दिया और खूब खूब होली का आपको तो दिख रहा है वास्तव में आनंद ठाकुर जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत आनंद आया और हर सबको आना चाहिए और ठाकुर जी के साथ होली खेलनी चाहिए। ये जो विशेष दर्शन होते हैं होली के, खास तौर से इस तरह में जो उत्सुकता रहती है कि ठाकुर जी के होली के रंग में 54 स्तंभ का दर्शन करके आएंगे, खूब खूब आनंद लिया हमने। बिल्कुल, ये देखिए श्रद्धालु भी उत्साहित हैं। अभी हमारे साथ में मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष विनीत जी सराडी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये जो परंपरा है कितने वर्षों पुरानी है, कब से ये चली आ रही है। श्रद्धालु भी बड़े आनंदित दिखे। देखिए ठाकुर जी, आपने जैसा देखा है कि ब्रज में और ब्रज से जुड़ी जो हमारी पुष्टि मार्ग की संस्कृति है उसमें बसंत पंचमी के साथ ही होली खेल आरंभ हो जाते हैं और जैसे जैसे होली पास आती है इसका क्रम और अधिक वृद्धि के साथ हमको देखने को मिलता है। उसी क्रम में हमारे प्राचीन काल में जो महाराष्ट्री हुए थे विठलनाथ जी, उन्होंने 84 स्तंभ के बगीचे का ये मनोरथ आयोजित करना आरंभ करवाया था। इसके पीछे की भावना यह है कि महाप्रभु जी के 84 वैष्णव थे और उन्हीं की भाव को लेकर एक एक 84 एक एक वैष्णव के नाम से एक एक पेड़ और उसका एक कुंज बनाकर सबसे पहले ठाकुर जी को उसमें विराजित किया गया था। और लगभग 300 सालों से द्वारकाधीश मंदिर में ये परंपरा आयोजित हो रही है। 84 खंभ के दिन सुबह ठाकुर जी केले के बने 84 केले के बने बगीचे में विराजते हैं, होली खेलते हैं, 5 रंग से ठाकुर जी को खिलाया जाता है, उन्हें रिझाया जाता है, भक्तों पर गुलाल डाली जाती है और शाम को नाथद द्वारा से ब्रजवासी ग्वाल बाल रसिया मंडली के साथ अपने यहाँ पधारते हैं और अपने रसिया गान से हम सभी को मंत्रमुग्ध करते हैं, राल उड़ाई जाती है। आपको पता है कि विगत 3 वर्षों से अत्यधिक भीड़ के कारण राल की जो परंपरा है उसका निर्वहन द्वारकाधीश प्रभु के सम्मुख होने के बाद गोवर्धन चौक में आम श्रद्धालुओं के बीच राल उड़ाई जाती है। तो ये कह सकते हैं कि 84 स्तंभ के जो मनोरथ हैं के जो दर्शन हैं वो पूरे फाग महोत्सव के सबसे आकर्षक और सबसे बड़े दर्शन कहलाए जाते हैं। बिल्कुल, जो अभी जो ये दर्शन की जो रतन जो यहाँ मुख्य मंदिर के बाहर बाहर जो किया गया है, इससे वास्तव में जो श्रद्धालु उससे इन्वॉल्व हो रहे हैं उस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, देखिए वास्तविकता यही है कि भीड़ के साथ द्वारकाधीश मंदिर का जो पूरा मैनेजमेंट है, हमारे जो महाराष्ट्री हैं डॉक्टर वागीश कुमार जी, उनका एक विज़न है कि फ्यूचर में इन दर्शनों को कैसे सहूलियत के साथ हर श्रद्धालुओं को करवा सकें, इसको लेकर कोई जनहानि ना हो, दर्शनों में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसको लेकर उन्हीं के आदेश से उन्हीं के निर्देशन में हमारे ट्रस्ट मंडल ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। और 3 साल से आप देख रहे हैं कि जब से दर्शन नीचे होने लगे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ भी बहुत अधिक मात्रा में हमको देखने को मिल रही है। ये जो दर्शन है 84 खंभ के साल में एक ही दिन होते हैं और ये एकमात्र मंदिर है जहाँ ये। जी बिल्कुल, साल में मात्र एक दिन जो फाग महोत्सव होता है और फागुन माह की 13 के दिन जो आज है ये दर्शन आयोजित होते हैं। पूरे पुष्टि संप्रदाय में ये मात्र अकेला ऐसा मंदिर है जहां यह 84 स्तंभ के मनोरथ के दर्शन होते हैं और राल दर्शन वो भी सिर्फ पुष्टि मार्ग में होते हैं। लेकिन आजकल पुष्टि संप्रदाय से जुड़े जितने भी मंदिर हैं वहाँ भी राल का ये क्रम आरंभ हो गया है। एक मुख्य रूप से होली के पर्व को लेकर श्री द्वारकाधीश मंदिर में जो एक अनूठे तरीके से मनाया जाता है, इसके क्या संबंध है कि होली का महोत्सव इतना जोरदार तरीके से अलग अलग? देखिए हम सभी प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं और हम प्रभु के
हमारा जो पुष्टि संप्रदाय है वो प्रभु को बाल स्वरूप में रिझाता है, राग भोग श्रृंगार से प्रभु को सेवित करता है। और ठाकुर जी श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें उनकी होली की जो लीला है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी है और सबसे आनंददायक है। तो जब ठाकुर जी ने ब्रज में अवतरण लिया और उसके बाद उन्होंने अपने ग्वाल मंडली के साथ, सखा के साथ, सखियों के साथ जिस तरह से होली का 40 दिन का पूरा पर्व मनाया, उसी को आज की भावी पीढ़ी, आज के वर्तमान में हम किस तरह से ठाकुर जी के साथ चरितार्थ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी के लिए होली का जो ये विशेष पर्व है, ऐसा कोई उत्सव नहीं है जो 40 दिन तक चलता है, सिर्फ होली का एक ऐसा उत्सव है जो 40 दिन तक ठाकुर जी के साथ हम सभी भाव विभोर होकर ठाकुर जी के सखा बनकर ये होली का खेल खेलते हैं। बिल्कुल, वास्तव में जैसे इस होली के पर्व को लेकर जब श्रद्धालु यहाँ श्री द्वारकाधीश मंदिर में आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, तो एक तरह से यहाँ का जो वातावरण देखते हैं, गुलाल अबीर जो सराबोर श्रद्धालु देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वृंदावन पहुँच गए हों। वहाँ की जो बरसाना की होली है, वृंदावन की होली है, बड़ी ही अलौकिक अद्भुत रहती हैं। और इसी के चलते लोग भी बड़े आनंदित व उत्साहित दिखते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर में यहाँ पर स्थानीय के साथ ही गुजरात और बाहर से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और आप मेरे पीछे जो श्रद्धालु देख सकते हैं, कितने ठाकुर जी के दर्शन के बाद में कितने आनंदित हो रहे हैं कि खुद अपनी न सिर्फ गुलाल अबीर से सराबोर हैं बल्कि खुद नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और प्रभु के इस दर्शन के बाद में बड़े ही आनंदित उत्साह दिख रहा है। ठाकुर जी के दर्शन करके यूँ लग रहा है कि आनंदित हो गए, बहुत आनंद आ रहा है, कभी महसूस ही नहीं किया इतना आनंद आएगा। अच्छा, तो यहाँ पहले भी कभी आए या पहली बार? नहीं, पहली बार आए काकरोली, बड़ौदा तो करते हैं दर्शन पर काकरोली पहली बार आए हैं। सिन्हा जी के तो आते रहते? सिन्हा जी द्वार के पहली बार आए हैं। अच्छा, तो सिन्हा जी के बाद यहाँ जो दर्शन किए ठाकुर जी की और यहाँ की जो परंपराओं से रूबरू हुए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुद अलग ही अनुभव हुआ है। और लता पता तो इतनी अच्छी है, अंदर निकुंज में स्वर्ग में आ गए ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये चीज़ें वास्तव में यूँ लग रहा है कि होली के रंग में और ठाकुर जी के साथ में रंगते हैं। ठाकुर जी ने साक्षात आज हमको जो आनंद दिया है उसकी शब्दों में कोई तुलना नहीं हो सकती है। सालों से इच्छा थी कि होली के दिन कांकरोली के दर्शन का मौका मिले, तो आज जैसे कि महाराज ने बताया कि 13 के दिन आज वो होली का दर्शन होता है, जैसे 84 खंभे लगते हैं, वो मेरी ज़िंदगी में पहली बार आज दर्शन का मौका मिला है, बहुत भव्य आनंद मिला है। इसके बारे में किसने बताया आपको पहले कि नाथद्वारा में की जानकारी मिली या कैसे है? हाँ, नाथद्वारा में से बताया गया था कि आज मतलब होली का दर्शन यहाँ पे है, तो वहाँ पे 84 खंभे का दर्शन होने वाला है, तो यहाँ पे निकुंज का दर्शन जो हुए है बहुत मजा आया है। आप तो पूरे सराबोर हो गए ठाकुर जी के गुलाल अबीर से। ठाकुर जी की कृपा है, आज मेरा लालो मेरे पर बहुत खुश है। आनंद आया? बहुत आनंद आया, ये हमारा घर है। बिल्कुल, वो तो ठाकुर जी का तो है, हमारा गुरु घर है। अच्छा अच्छा, तो पहले दर्शन करने आए कि नहीं आए कभी? दर्शन तो बहुत दिन आए। अच्छा, होली में पहली बार आए। ये जैसे हर एक जैसे बाहर के श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ भी रहे, लेकिन सभी भक्तजन बड़े ही आनंदित हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात और क्षेत्र के देश के अन्य जगहों से भी बड़ी तादाद में वैष्णव आते हैं और इस होली के अलौकिक दर्शन का आनंद उठाते हैं। हम प्रयास करेंगे होली से जुड़ी हर एक किस्सा आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।